काफी मायनों में आज चीन और अमेरिका भारत से आगे हैं, पर एक माध्यम ऐसा भी है जहां भारत के इंटरफेरेंस से चीन और पाकिस्तान को भय उठा है, और वह सेक्टर है डिजिटल पेमेंट का। जी हां, जब से भारत ने यूपीआई माध्यम से अपने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत कर दी है, जब से चीन और अमेरिका को भी डर लगने लगा है। दरअसल यूपीआई के माध्यम से भारत इतना तेजी से ग्रो किया है कि जितना दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उसी माध्यम में भारत ने यूपीआई को 30 देशों से मान्यता प्राप्त कर ली है। वहीं चीन का एक पेमेंट माध्यम है यूनियन पेमेंट सिस्टम। उस सिस्टम की मदद से चीन ने 180 देशों में इसकी मान्यता तो प्राप्त कर ली है, पर इससे पे करने वाले यूजर लगभग 2.5 गुना कम है। यूपीआई इस चीन के पेमेंट सिस्टम से 2.5 गुना तक ज्यादा पेमेंट करती है। और वहीं अमेरिका में भी इसका विरोध उठा है कि यूपीआई जैसे सिस्टम को अमेरिका में भी लागू करना चाहिए। भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में छाने के लिए तैयार है, और जितना इसका स्मूथ पेमेंट होता है वो दुनिया के किसी भी पेमेंट सिस्टम में नहीं होता। अमेरिका के मास्टर कार्ड और वीजा की भी लिमिट यूपीआई ने समाप्त कर दी है। लगभग भारत में एक और पेमेंट सिस्टम चलता है जिसका नाम है रुपए। ये यूपीआई द्वारा ही बनाया गया है। रुपए यूपीआई को सपोर्ट करके ही चलता है, और इस सपोर्ट के कारण इंडिया में रुपए और यूपीआई का डोमिनेंस बरकरार है। वहीं अब यूएसए में भी इंडिया जाने की परमिशन मांग रहा है। रूस ने हाल ही में इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 2.0 को भी लॉन्च करने की व्यवस्था बना ली है। और यूपीआई 2.0 के बारे में ऐसी बात कही जा रही है कि यदि आप इंटरनेट ओपन ना भी करेंगे, फिर भी यूपीआई 2.0 से आपको पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। और इस पेमेंट के माध्यम से आप कैश जेब में रखना भूल जाएंगे, और आपका पूरा कैश आपके वॉलेट में रहेगा, और किसी से लेन देन करने पर ओनली आप मोबाइल से लेन देन कर पाएंगे। क्या भारत को ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में दुनिया में महारत हासिल हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।